नमस्कार, टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से मैं संदीप तिवारी आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट विद आलोक पे स्वागत अभिनंदन करता हूँ। काफ़ी दिनों के बाद हम पब्लिकली एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं। पीछे हमने एक सेशन स्टार्ट किया था जिसमें प्रश्न संग्रह आपसे हमने आपके जो दो बैचेस को केंद्रित करते हुए स्टार्ट किया, एक तो सुपर टेट जो कि आगामी परीक्षा है जिसके फॉर्म्स आ रहे हैं, जिसके फॉर्म्स आने वाले हैं और जिसकी बैचेस हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आप सब लोग जितने लोग भी हमसे जुड़े हैं तो उन सब के लिए हम लोग पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, उनको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि हम लोग अच्छा करेंगे, जितना हम सबसे संभव होगा उतना करने की कोशिश करेंगे। खंड शिक्षा अधिकारी BEO साथ साथ सुपर टेट, क्योंकि देखिए ओरिएंटेड तो सुपर टेट पर है लेकिन क्योंकि आपकी परीक्षा BEO की खंड शिक्षा अधिकारी की जो कि 22 मार्च को है, 22 मार्च की इस परीक्षा के लिए भी हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि बहुत अच्छे से इस पूरे सेगमेंट्स को कंप्लीट किया जाए और आपकी परीक्षा में हम अपनी जो भी हमारी सहयोग की भूमिका है उसको हम एक निर्णायक रूप से आपको प्रदान करें। खंड शिक्षा अधिकारी एक बहुत महत्वपूर्ण पद है तो इस पद की गरिमा को आप लोग देखते हुए इस पद के ऊपर जितने भी मतलब पद से संबंधित जो भी परीक्षा आपकी होने जा रही है उस परीक्षा की भी इम्पोर्टेंस को आपको इग्नोर नहीं करना होगा, उस परीक्षा की इम्पोर्टेंस को बहुत ही अच्छा मान करके चलना होगा। तो इस वजह से परीक्षा को अगर हम देखते हुए जो भी प्रश्नों को तैयार कर रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, बहुत ही डिटेल्ड फॉर्म में होने चाहिए और बहुत ही अच्छी तरह से हमारे प्रिपेयर्ड होने चाहिए। हम लोग का भी उद्देश्य है कि कुछ अच्छा करें जिससे कि हम लोग के संस्थान के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हमसे डायरेक्टली बैचेस में या तो इनडायरेक्टली हमारे सब्सक्राइबर बनकर हम सभी के लिए कुछ ना कुछ प्रदान करें। इसी कड़ी में संस्थान का एक सहयोग आपकी तरफ आपके लिए है जिसमें हम सभी टीचर्स अपने अपने विषयों के साथ साथ अपने कुछ कॉन्सेप्ट को लेकर के या कुछ प्रश्नों के संग्रह को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे समय टू समय, टाइम टू टाइम। इसी कड़ी में हम सुपर टेट को फोकस करते हुए BEO को लेकर के भी खंड शिक्षा अधिकारी की भी बैच को लेकर के एक प्रश्न संग्रह का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस संग्रह के कॉन्सेप्ट में हम ऐसे ही प्रश्नों का चयन कर रहे हैं जिन प्रश्नों को ज़्यादातर परीक्षाओं में देखा गया है या जिनके आने की उम्मीद ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स में, जैसे मैंने पिछले सेशन में तो जो हमने प्रश्न संग्रह स्टार्ट किया था उसमें हमने जो है हर टॉपिक से हर चैप्टर से लगभग एक एक प्रश्न देने की कोशिश करी थी, क्योंकि मैथ का पार्ट होता है जिसमें बहुत सारे प्रश्नों को एक साथ हम करा नहीं सकते हैं, ना तो आप उतना ज़्यादा जो है उसमें अपनी दिलचस्पी भी दिखाएंगे पढ़ने के दौरान। तो छोटे छोटे सेगमेंट्स में छोटे छोटे पार्ट्स में हम इस संग्रह को लेकर आएंगे, 10-10 प्रश्नों को लेकर आएंगे। हाँ, लेकिन मैं इतनी सियोरिटी आपको दूंगा कि जो भी संग्रह रहेगा जितने भी फिर प्रश्न रहेंगे प्रश्न का आंसर जानने के साथ साथ पूरे उस कॉन्सेप्ट को आप सीखने की कोशिश यहाँ पर करेंगे और मेरा प्रयास भी आपको सिखाने का रहेगा। तो हम एक छोटे छोटे श्रृंखलाओं को लेकर आपके समक्ष रहेंगे। सुपर टेट 2020 सफलता की यात्रा साथ साथ BEO खंड शिक्षा अधिकारी जिसकी परीक्षा प्रस्तावित है, दोनों को देखते हुए हमने इस प्रसंगा को स्टार्ट किया है, इस क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट किया है। तो हम यहाँ पर समय ना व्यतीत करते हुए जिस टॉपिक को आज यहाँ पर हम लेने जा रहे हैं उस टॉपिक की इम्पोर्टेंस दोनों परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा है। हालांकि सुपर टेट की परीक्षा को अगर देखा जाए तो सुपर टेट की परीक्षा में न्यूमेरिकल एबिलिटी एक नया चैप्टर ही है, उनका पहला सिलेबस का पाठ्यक्रम का भाग ही है, लेकिन आंकिक क्षमता आंकिक योग्यता एक ऐसा पार्ट है मैथमेटिक्स का। अगर हम मैथमेटिशियन या हम मैथमेटिक्स जानते हैं और मैथमेटिक्स आपको पढ़ाते हैं या जितने भी लोग जानने वाले मैथमेटिक्स को हैं इस बात से पूरी तरह से सहमत होंगे मेरी बातों से कि आंकिक क्षमता शब्द आते ही अब मैथ के जितने भी प्रकार के कैलकुलेशंस होते हैं उन सारे कैलकुलेशंस को एक सेगमेंट में एक पार्ट में कवर करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आंकिक क्षमता बोल दिया हूं तो मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है, मैंने हर प्रकार के कैलकुलेशंस को कवर किया, मैंने चाहे जोड़ घटाओ गुणे भाग वर्ग वर्गमूल घन घनमूल दशमलव का प्रयोग करना भिन्नों का प्रयोग करना घातों का प्रयोग करना जितने भी संबंधित कैलकुलेशंस हो सकते हैं हमारी पूरी गणित में वो सब के सब आंकिक क्षमता पे ही डिपेंडेंट होंगे। अगर मेरी आंकिक क्षमता अच्छी है तो जाहिर सी बात हम हर प्रकार के सेगमेंट्स को कवर करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि यह सुपर टेट का पाठ्यक्रम है, BEO की परीक्षा में भी इसके संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए इस श्रृंखला को आप बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला मानकर चलिए। हर प्रश्नों की इंपॉर्टेंस अपने आप में काफ़ी रहेगी। जब आप प्रश्नों को देखेंगे तो बहुत सारे लोग उसमें से उन सारे प्रश्नों को करने की भी योग्यता रखते होंगे, जो लोग नहीं कर सकते हैं वो लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग कर सकते हैं उनके कॉन्फिडेंस लेवल में काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा, यह मैं सियोरिटी दे रहा हूँ। अब समय ना जाया करेंगे, एक एक प्रश्न से स्टार्ट करेंगे, एक एक प्रश्न के कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसके पूरे करने के तरीके को सीखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। हर चीज़ आपके सामने व्यवस्थित रूप में आपके सामने प्रदर्शित की जाएगी। धीरे धीरे इसी कड़ी में हम एक संग्रह के साथ दूसरे संग्रह तीसरे संग्रह या प्रक्रिया अनवरत स्टार्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम सबकी अभी अपनी एक बाध्यता होती है लेकिन उस बाध्यताओं को भी देखते हुए हम आपके लिए समर्पित होने की कोशिश करेंगे। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हम पूरी तरह से आपको नहीं कह दे रहे हैं कि हम आपको एक कमिटमेंट कर दिए कि नहीं हम पर डे आएंगे, लेकिन हम आपको आपके समक्ष आने की कोशिश जरूर करेंगे।
स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर इस सीरीज को, जिसमें पहले प्रश्न से हम लोग एक एक करके चीजों को स्टार्ट कर। देखिए एक ऐसा प्रश्न जो कई सारी परीक्षाओं में इस तरह का प्रश्न देखा जाता है, यहाँ पर है तो गुणा लेकिन इतना आसान गुणा नहीं है कि आप चीजों को जल्दी से जज कर पाए। आप यहाँ पर जैसे ही प्रश्न को देख रहे हैं तो इस प्रश्न को देखने के बाद हमारे दिमाग में ये कई सारी चीजें आती है कि इतना बड़ा कम्बिनेशन हम कैसे इसको मैनेज कर पाए, कैसे हल कर पाए। लेकिन ऑप्शंस को देख करके भी हम बड़ी जल्दी डिसाइड कर ले रहे हैं यहाँ पर कि आंसर क्या होगा, लेकिन पूरी तरह से ऑप्शंस पे भी डिपेंडेंट ना होकर के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को बताने के, इस प्रश्न को हल कराने के साथ मैं यहाँ पर कुछ चीजें आपको समझाऊंगा। जैसे वर्ग करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया, क्या प्रक्रिया है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं कभी भी आपको जैसे वर्ग अगर पढ़ा रहा हूँ तो वर्ग के दौरान अगर मैंने कहा कि दो संख्या है, मतलब एक दो अंकों की संख्या मैंने 11 ले ली और मैं आपसे कह दूं भैया ऐसा 11 का वर्ग करिए, तो 11 का वर्ग मतलब 11 गुणे 11 121 होता है। जनरल आम भाषा में लोग जानते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। अब यही चीज़ अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूँ, जैसे मैंने कहा कि 111 का वर्ग अगर आपको मैं करने को कहूँ, अब थोड़ी सी कन्फ्यूजन की बात आई कि इसका वर्ग कैसे करें। इसके वर्ग करने को एक सिस्टम पैटर्न पर हम आधारित मानकर चलते, बहुत ही आसानी के साथ उस पैटर्न को हम लोग यहाँ पर समझ पाते हैं। मैं पैटर्न आपको बता देता हूँ, समझिएगा। आप इस दौरान यहाँ पर डिजिट को गिना करिए, जैसे एक कितनी बार प्रयोग किया गया है। एक यहाँ पर 3 बार प्रयोग किया गया, इसके पहले 2 बार प्रयोग किया गया था। 2 बार जब प्रयोग किया गया था तो मैंने गिनती पढ़ना शुरू किया, लिखना शुरू किया। एक के बाद देखिए 2 आया, फिर हम रिवर्स हो गए, फिर 1 पर रिटर्न हो गए, 1 2 रिटर्न कर गए 1। जब हम 3 डंडी या 3 1 हम लोग यहाँ पर लाइन देख रहे हैं तो मैं लिखूंगा सबसे पहले 1 2 3, फिर मैं रिटर्न होऊंगा 3 के पहले 2 1, 23 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैंने 4 लाइन यहाँ पर मतलब 1111 का वर्ग करने की कोशिश करी तो मैं लिखूंगा 1 2 3 4, फिर रिटर्न होऊंगा 3 2 1, यह गुणा हो जाएगा, यह वर्ग हो जाएगा। आप करके चेक कर सकते हैं। फिर मैंने कहा अगर मैं 11111 करूँ का वर्ग करूँ तो अभी 5 लाइन है, तो मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5, 4 3 2 1, यह हमारे सामने बन जाएगा। इसी कड़ी में आप जितनी बार यहाँ पर चीज़ों को ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे, मान लीजिए देखिए मैंने 6 बार लिखा, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, यहाँ पर इस तरह के स्क्वायर हमको प्राप्त होते चले जाएंगे। जब मैंने अपने इस गुणे को देखा तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं यह आया कि हम इसको सोच पा रहे हैं कि 33,333 का वर्ग ही तो है। वर्ग है तो मतलब हम 33,333 को अगर हम लोग यहाँ पर चाहें तो हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर आप इस बात को समझ गए होंगे तो आपको समस्या यहाँ पर आगे नहीं होगी। कैसे नहीं होगी मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। हाँ, तो जैसे हमने आपको यह नियम बताया, वो नियमों के आधार पर अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो कैसे कर सकते थे, आप पूरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। जो हमने आपको यह प्रश्न बताया उसके आधार पर अगर इस नियम, इस प्रश्न को थोड़ा सा हम अपने हिसाब से कन्वर्ट करें तो मैं जो 33,333 लिखा हुआ उसको मैं 3 गुणे 11,111 कह सकता हूँ। साथ साथ यह जो हमारे सामने नंबर लिखा उसमें भी मैं लिख सकता हूँ 3 गुणे 11,111। अब आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 11,111, जैसे हम इन दोनों में अगर 2 पार्ट्स यहाँ पर बना ले, जैसे 3 को 3 से गुणा कर दें तो यह हो जाएगा 9, जबकि 11,111 से अगर हम गुणा करते तो 11,111 का वर्ग हो जाएगा। और 11,111 का वर्ग अभी अभी आपने करा तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1, तो आपके सामने आया। जैसे इसका 9 से आप गुणा करेंगे तो 9 से गुणा करते ही आपके सामने देखिए यह संख्या या नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा 888 और 9, जो कि आपको बी ऑप्शन में प्राप्त हो रहा है। बी ऑप्शन में आपको यह आंसर प्राप्त हो रहा है, जो कि देखिए 4 बार 1 लिखा है 0, 3 बार 8 और 8 4 बार 8 और 1 लास्ट में 9 लिखा हुआ है। तो आपका सही उत्तर बी ऑप्शन होगा और बी ऑप्शन पे भी आप टिक कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। कई चीज़ें से रिलेटेड थी, जैसे कि पहले तो मैंने जो आपको 1111 से रिलेटेड वर्ग को डिस्कस किया। साथ साथ अगर आप इस तरह से इसको ब्रेक कर पाते हैं तो ब्रेक करके आप इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ऑप्शन में अगर हम लोग यहाँ पर लेके चलते तो ऑप्शन में भी आप देख पा रहे थे इंड का मल्टीप्लीकेशन 9 हो रहा था, किसी भी ऑप्शन में 9 नहीं था, केवल सेकंड ऑप्शन में 9 था और कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं था जिसमें इनमें से कोई नहीं दिया हुआ था। तो इस बात की कंफ्यूजन नहीं थी हमारे पास कि उत्तर गलत होगा, उत्तर तो कोई ना कोई सही होना था। उसमें अगर हम लोग यहाँ पर ऐसी स्थिति में आते हैं जब एक ही ऑप्शन एंड को मैचअप करा रहा है तो उस ऑप्शन को हम डायरेक्टली टिक कर सकते हैं, उस पर अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं। एक और बात मैं आप लोगों को बता सकता था यहाँ पर, एक होता है डिजिट सम कॉन्सेप्ट, तो डिजिट सम कॉन्सेप्ट से भी अपनी सिक्योरिटी को हम मैनेज कर सकते थे, मजबूत कर सकते थे। मैं आपको डिजिट सम का थोड़ा सिस्टम बता देता हूँ, मैंने ऐसे अपने बैचेस में भी इस चीज़ को बता रखा है। जैसे आप यहाँ पर चाहते तो हम, मैं आपको बताऊँ, डिजिट को जोड़ा जाता है और आंसर के साथ डिजिट का एडिशन मैच कर जाता है। जो क्वेश्चन का डिजिट सम होता है वही आंसर का भी डिजिट सम होता है।
3 3 9 3 12 3 15 3 18, अगर हम सभी तीनों को जोड़ दें, 3 3 9 3 12 3 15 3 18, 18 का मतलब 9 होता है। जैसे हम डिजिट सम का मतलब होता है, कहीं भी दो डिजिट मिले, तीन डिजिट मिले, सभी डिजिट को जोड़ दीजिए, अंतिम में सबको जोड़ करके एक डिजिट में बना दीजिए। कैसे किया, देखिए 3 3 9 3 12, चाहते तो 12 को यहीं पे 3 कह देते, फिर 3 में जोड़ते 6, फिर 6 3 9, देखिए उत्तर आया 9। तो यहाँ भी हमारे सामने होता 9, 9 का 9 से गुणा करते तो होता 81, 81 का भी जब हम लोग यहाँ पर डिजिट सम करते तो आता 9। अपने में से हमारे पास एक ही ऑप्शन होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 1 2 1 3 1 4, चार अभी रखे रहिए, देखिए 8 8 16, 16 का मतलब 7, 7 8 15, 15 का मतलब 6, 6 8 6 8 14 का मतलब 5, 5 9 14 का मतलब 5, और 5 4 ऑलरेडी आपके पास 9। इस आंसर का भी डिजिट सम आपके सामने 9 होगा। तो डिजिट सम के आधार पर भी आंसर मैच करा सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट बताया उसके आधार पर भी मैच करा सकते हैं, वर्ग के उस पैटर्न को आप समझ सकते हैं जिसके थ्रू आपको इस चीज़ को अप्लाई किया गया। अगर हम इस प्रश्न को कर रहे हैं तो इससे संबंधित कई बातें हमारे ध्यान में दिमाग में आई होंगी, जिससे कि हम अपने कॉन्सेप्ट को श्योर कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपने देखा, इसी कड़ी में हम दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे, और दूसरे प्रश्न पर जैसे ही हम आएंगे तो हमें यहाँ पर कुछ नई चीज़ें नजर आएंगी। मैंने अभी हाल ही में सुपर टेट के बैच में इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कराया था, और आप सब लोगों ने देखिए इस तरह के प्रश्नों पे अपना रिस्पांस भी दिया था। आप यहाँ पर जब देख पा रहे तो हमारे सामने स्थिति क्या, देखिए 9 है, 99 है, 999 है, 9999 है, 99999 है। इस तरह के पैटर्न को सॉल्व करने के दौरान मैंने एक बात आप लोगों को बताया था, अगर याद होगा, यहाँ पर हम कह सकते थे अगर कभी इस तरह का पैटर्न मेरे सामने मैथ्स में आया एडिशन करने पर बेस्ड, मान लीजिए अगर हमारे पास 1 आया 11 आया 1111 आया 11111 आया 1000, मतलब इस तरह का अगर पैटर्न एक सीक्वेंस पे हमारे सामने बनकर आया, तो इसको जो सिस्टम होता है लिखने का उसके आधार पर मैं अगर लिख करके सॉल्व करता हूँ तो भी उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसी स्थिति में आप डायरेक्ट काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 यहाँ पर उत्तर हो जाएगा इस टाइप के प्रश्न का। जैसे जैसे 1 बढ़ाते जाएंगे, मान लीजिए आपके सामने देखिए यहाँ पर 1 बढ़ करके कुछ ऐसे बन गया, तो आप इसको कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5, आप इसको डायरेक्ट ऐड करके लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। अब अगर मान लीजिए हम इस संख्या समूह को देखें जो हमारे सामने दिया गया है, आप यहाँ पर अगर इस संख्या समूह को देख रहे हैं तो देखिए स्थिति क्या है, यहाँ पर हर एक नंबर डिजिट में आप देख रहे हैं 9 बाहर हम कर सकते हैं, 9 को जैसे हम बाहर करेंगे तुरंत मेरे सामने यहाँ पर 1 11 111 1000 111 11 111, जिसका जोड़ होता है 1 2 3 4 5। आप डायरेक्टली 5 से मतलब 9 से इसको गुणा करेंगे, 9 5 45 कैरी 4 होता है, 9 4 36, 4 40 कैरी 4 होता है, 9 3 27, 4 31 कैरी 3 होता है, 9 2 18, 18 3 21 कैरी 2 होता है, 9 2 11, 4 बार 105, 4 बार 105 पहले ऑप्शन में आपको इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो रहा है, आप पहला ऑप्शन टिक करके चल सकते हैं आगे। तो आपको ध्यान में देना है, मतलब इस तरह के प्रश्नों को करने के दौरान मैंने थोड़ा सा डिक्टेट करने की कोशिश करी है, लेकिन आप जब कभी इस तरह के प्रश्न को देखिए तो अगर कभी ऐसा पैटर्न नजर आए 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5, यह प्रक्रिया कभी भी नजर आए तो जो कॉमन नंबर है उसको निकालिए, जोड़ में बस आपको बस सिंपल सी बात है कि 1 2 3 4 5 काउंटिंग करके लिख दीजिए, गुणा कर दीजिए, आपको उत्तर प्राप्त होगा। डिजिट सम के माध्यम से भी चल सकते थे, लेकिन हमें जरूरत नहीं लग रही कि यहाँ पर ऐसी कोई आवश्यकता है, अदरवाइज आप डिजिट सम कर दीजिए सभी का और आंसर का डिजिट सम कर दीजिए ऑप्शन में, तो आपको मैच कर जाएगा। जैसे आप यहाँ पर अगर जोड़ेंगे 9 9 18 18 का मतलब 9, फिर 9 9 18 का मतलब 9, फिर आपके पास 18 का मतलब 9, फिर 9 18 का मतलब 9, तो डिजिट सम यहाँ पर 9 आया। 9 9 18 का मतलब 9, 9 9 18 का मतलब 9, 9 9 18 का मतलब 9, तो यहाँ भी आपके सामने देखिए डिजिट सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। इसी तरह से यहाँ भी आपके पास 9 आएगा, यहाँ पर भी 9 आएगा, यहाँ भी 9 आएगा। इसका मतलब अगर फिर से हम करेंगे तो फिर से हमारे सामने डिजिट सम 9 ही आएगा, और यहाँ भी देखिए 5 4 9 होता है, डिजिट सम यहाँ भी मैच कर गया, तो आपके इस प्रश्न का उत्तर आपको पहले ऑप्शन से प्राप्त हो जा रहा है। आप कॉन्सेप्ट को लिखते जाइए, सीखते जाइए, ऐसे प्रश्नों पर खूब कमांड करिए, कॉन्फिडेंस की आवश्यकता है। कॉन्फिडेंस जैसे जैसे आपका बढ़ेगा उतना ही अच्छा आप रिस्पॉन्स कर पाएंगे हर प्रकार की ऐसी स्थिति में। एक बहुत बढ़िया प्रश्न देखिए आपके सामने नजर आ रहा है, मैंने यहाँ पर 7 लिखा है, लेकिन कितनी बार लिखा है मैं आपको दिखा रहा हूँ, 7 लिखा है 1 बार, फिर 2 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। आप काउंटिंग करिए, 3 2 5 2 7 2 9 1 10 बार, डिवाइडेड बाय 77 है। आप जब डिवाइड करेंगे तो आप इसको दो तरह से सोच सकते थे, पहली चीज़ तो 7 से ऊपर नीचे कैंसिल कर दीजिए और उसके बाद डिवीजन कर दीजिए, मुझे लगता है ऐसी भी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट भी हम कर सकते, जैसे हम 1 बार लेके जा सकते हैं, इतना कवर कर लेगा, इतना कवर करते शून्य बढ़ेगा तो इतना कवर हो जाएगा, फिर 1 बढ़ेगा, फिर 0 बढ़ेगा तो इतना कवर हो जाएगा,
फिर एक आएगा, फिर शून्य आएगा, तो इतना आपका कवर हो जाएगा, फिर एक आएगा, फिर एक शून्य आएगा, फिर एक आएगा, बस काम खत्म हो गया। अगर हम देख रहे हैं तो ये ऑप्शन हमें बिल्कुल नजर आ रहा है, 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9, आपका डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर, डी ऑप्शन आपके इस प्रश्न का सही उत्तर। थोड़ा सा लिखने की कोशिश करिएगा, जितना अच्छे से आप लिखेंगे उतना ही अच्छा आप इस पर रिस्पॉन्स कर पाएंगे, मतलब लिख करके आप इस प्रश्न का सही आंसर कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, आप काउंटिंग कर लीजिए ऐसी स्थिति में, और मैं आपको बताऊंगा कभी भी ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आपको नजर आए तो इसको काउंट किया करिए, 3 3 4 7 3 10, उधर देख रहे हैं हमारे पास दो डिजिट की संख्या है, आप मान के चलिए यह कॉम्बिनेशन आपको 9 तक के आंसर प्रोवाइड करेगा, मतलब 3 3 6 3 9 बार आपके पास 10 10 10 का इंड अप कॉन्सेप्ट आपको नजर आएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर डी ऑप्शन है, पूरी तरह से आप श्योर होंगे कि कैसे इस तरह के प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड इज द करेक्ट, थर्ड इस प्रश्न का, थर्ड प्रश्न का सही उत्तर डी ऑप्शन जो आप देख पा रहे हैं। मुझे लगता है कि आप इस बात पर भी पूरी तरह से सहमत होंगे, पूरी तरह से आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे कैसे ऐसे प्रश्नों को हल किया जा सकता है, कैसे साल भी। एक बड़ा अच्छा प्रश्न देखिए, अभी इस तरह के प्रश्न भी हम अपनी क्लास में भी डिस्कस किए हैं, और आप सब लोग अगर थोड़ा सा बहुत अवेयर होंगे इन सब चीज़ों को तो अच्छी तरह से कर पाएंगे। कभी भी अगर आपको एक श्रृंखला के दौरान एक साथ कई सारे भाग दिए जाएं, मतलब आपको लगातार भाग दिया जाए, जैसे मैं एक दो बातें आपको समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा सब लोग, कभी आपको जैसे केवल 24 भागे 12 दिया है, आप उत्तर बताएंगे सर इसका मतलब 2 होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने कहा भैया 24 भागे अगर 12 है और भागे हमने कर दिया 6, भागे 12 है, भागे कर दिया 6, तो कई लोग कन्फ्यूजन की वजह से यहाँ पर उत्तर 6 दूना 12 और 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो कहेंगे 6 दूना 12, 2 से किया तो उत्तर 12 आएगा। बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कभी भी अंत से, जब एक साथ कई सारे भाग के सिंबल लगे हो संख्याओं में, तो आपको कभी अंत से भाग नहीं देना है, आपको स्टार्टिंग से भाग देने की पद्धति को समझना है। स्टार्टिंग से भाग देने की प्रक्रिया हम आपको समझाते हैं कि कैसे हम इस तरह की बातें सोच पा रहे हैं, और क्या इसका रिस्पॉन्स हमारा सही है कि नहीं है, सारी बातें मैं आपको समझाता हूँ। मैंने क्या प्लान किया, मैंने कहा मेरे सामने है 24 भागे 12 भागे 6, मान लीजिए ऐसी प्रक्रिया है। आपने भिन्न पढ़ा होगा कभी, तो भिन्न में जैसे कभी a बटा बी को अगर मैं c बटा डी से भाग करूं, तो कभी भी भिन्न का भाग नहीं होता है, भिन्न में हमेशा गुणा होता है, भाग को भी गुणे में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो सेकंड भिन्न होता है, दूसरा भिन्न होता है, उसका रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम को हम पहले भिन्न के साथ गुणा कर देते हैं। मतलब आप a बटा बी गुणे इसको d बटा सी लिख सकते हैं। जब भी कभी ऐसा कोई भाग समूह हमको मिले भाग करने को, तो हम इस तरह से उसका रिएक्शन, इस तरह से उसे आंसर दे। जैसे मैंने कहा 1/2 को भाग करना था 4/3 से, आप तुरंत कहेंगे सर इसका मतलब 1/2 होगा गुणे 3/4 होगा, मतलब 3/8 उत्तर आएगा, 3/8 इस प्रश्न का सही उत्तर हमारे सामने आएगा। ठीक है, आप किसी भी संख्या को, जैसे कभी 5 लिखा है तो उसको 5/1 कह सकते हैं, 4 लिखा है तो 4/1 लिख सकते हैं, उसी तरह से 24 को 24/1 लिख सकते हैं, 24/1 लिख सकते हैं, अच्छा इसको 12/1 लिख सकते हैं भागे, इसको आप 6/1 लिख सकते हैं। अब फिर वही सिस्टम देखिए, भाग वाला बना हमारे पास भिन्न के रूप में, तो आप इसको 24/1 लिखिए गुणे 1/12 लिखिए गुणे 1/6 लिखिए, तो आप 12 2 24 कर दिए, 2 3 6 कर दीजिए, उत्तर 1/3 आएगा। इसका मतलब ये हमारे सामने एक सिस्टम बना, और इस सिस्टम के तहत कभी भी अगर हमारे सामने इस तरह के मल्टीपल भाग वाले प्रश्न आए, मल्टीपल भाग जैसे जो हम जिस संख्या समूह को ले रहे हैं 24 भागे 12 भागे 6, आप कभी भी एक साथ लगातार भाग सिंबल देखिए, तो पहली संख्या को एज इट इज लिखिए, बाकी सभी संख्याओं को आप नीचे लिखिए और गुणे कर दीजिए, बस 12 2 24 2 3 6, कभी भी बिना कन्फ्यूजन के आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर डायरेक्टली दे सकते हैं। वही पैटर्न आपको इस प्रश्न में भी प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको 544 दिखा गया, भागे 180 है, भागे 2 है, भागे 0.01 है। आप सबसे पहले 540 को ऊपर लिख दीजिए, नीचे जाइए 180 आएगा, गुणे करिएगा 2 होगा, गुणे करिएगा 0.01 होगा। थोड़ा सा इसको लेकर के आपके मन में जरूर संख्या आएगी, लेकिन मैं चाहूंगा संख्या हटा दीजिए, 100 कर दीजिए, और आपको पता है कि उल्टा होकर के 100 जाके यहाँ गुणा हो जाएगा, जिसका काम ही खत्म हो जाएगा, 100 ऊपर गुणा हो गया। यह बात आप समझ गए होंगे, 180 तीन बार 540 होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे सामने यह 2 से कैंसिल होगा, 50 होगा, 50 गुणे 3 कर दीजिए 150 हो जाएगा। तो 150 कहीं उत्तर दिख रहा है, बिल्कुल डी ऑप्शन में दिख रहा है, 150 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, 150 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आप पूरी तरह से इस बात पे सहमत होंगे कि कैसे इस प्रश्न का उत्तर 150 हमारे सामने नजर आ रहा है। मैंने जैसे बताया 540 को ऊपर लिखिए, बाकी सबको नीचे लिखिए। थोड़ा सा कन्फ्यूजन इस विषय को लेकर जरूर हुआ होगा, लेकिन दशमलव हटाने के लिए जितने अंकों पर दशमलव लगा है उतने शून्य नीचे लिख देंगे, और वह नीचे है इसलिए ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, और जैसे प्रक्रिया है उसकी, उसमें आपका सही आंसर आपको प्रदान करेगा।
चलिए यह बात आप चौथे ऑप्शन में, चौथे प्रश्न में आप समझ पाए होंगे। थोड़ी सी महत्वपूर्ण सूचना देना हमारा फर्ज है, संस्थान का, संस्थान की तरफ से हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको सूचनाएं दें और हमसे आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़े हैं, हमारे लिए सबसे गर्व की बात होती है। तो सुपर टेट की बैच जो हम लोगों के संस्थान की तरफ से प्लान की गई है, उस बैच में भी अभी भी एंट्री की प्रक्रिया चल रही है। और यह बात हमको बताने में बड़ी खुशी होती है, जैसे बहुत सारे लोग के रिस्पॉन्स आते हैं, मैसेज आते हैं, बात करते हैं हम लोगों से और सही सही उनको आंसर नहीं मिल पाता है क्योंकि ज़्यादा बल्क में चीज़ें आती है। तो हम सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, हालांकि संस्थान से सारी चीज़ें आपको पहले से बताई जाती है। हम लोग की वीडियो के नीचे भी पट्टी एक चलती रहती है, उसमें आपको वो नंबर्स कॉन्टैक्ट करने के मिलते रहते हैं, लेकिन इतने सारे मैसेजेस फ़ोन आते हैं तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा समय लगता है चीज़ों को रिस्पॉन्स करने में। तो आप इरिटेशन के शिकार भी होते हैं, इरिटेट भी होते हैं कि हमको बार बार फोन करने पर भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो मैं आप लोगों से यही चाहूँगा कि आप गंभीर बनिएगा, पेशेंस रखिएगा, चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि जब कभी भी इस तरह की बात अगर हो, अकबर आप संस्थान के, संस्थान की गतिविधियों में शामिल होना चाहते हैं, संस्थान से आप जुड़ना चाहते हैं, BEO बैच तो अब पूरी तरह से मतलब इंडप के स्थिति पर है, उसमें तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, लेकिन सुपर टेट की बैच में मैं आपसे कहूंगा कि सुपर टेट की बैच में आपका स्वागत है, आप जुड़ सकते हैं सुपर टेट की बैच में। उसके लिए हम लोग की तरफ से, और हम लोग बार बार बताए हैं, किसी भी वीडियो में आप खोल कर देखिएगा जो प्रमोशनल वीडियोस होते हैं उसमें यह बातें आपको जरूर बताई जाती हैं कि सुपर टेट की एंट्री नंबर हम लोग एक जो है हर एक बैचेस के लिए अलग प्रोवाइड करते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर होता है और व्हाट्सएप नंबर से आप जो है अपने मोबाइल कॉन्टैक्ट में जाकर के इस नंबर को सेव करिए। नंबर है 9125423936, मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा 9125423936, रिपीट करिए, इसको सेव करिए। सेव करने के बाद व्हाट्सएप करिए इस पर एंट्री फॉर सुपर टेट या सुपर टेट एंट्री। आप किसी भी तरह से अगर हमारे संस्थान में, हमारे संस्थान की डिवाइस में इस नंबर को आप जो है इस नंबर पर आप SMS करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, तो संस्थान से थोड़े से समय के बाद आपसे संपर्क किया जाएगा और आपको एडमिशन की प्रोसीजर प्रक्रिया समझाई जाएगी और आपको बैचेस में जुड़ने का तरीका बताया जाएगा। कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आपका, जो भी कन्फ्यूजन हमसे जुड़ने को लेकर के और तमाम तरह के भ्रम को लेकर के आपके दिमाग में रहता है, आपके वो सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाते हैं, आप इस तरह से हमसे जुड़ सकते हैं। प्रश्न संग्रह पर आते हैं, प्रश्न संग्रह आपका 4 नंबर कंप्लीट हुआ प्रश्न श्रृंखला। अब 5वां नंबर देखिए, बड़ा आसान सा प्रश्न है, हालांकि मैंने इसको सीट में लिखा है लेकिन आसान सा प्रश्न है, इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप देखते इस तरह के प्रश्नों पर उत्तर बता सकते हैं, कुछ नहीं करना था, सिंपल सा जोड़ देना था, जोड़ करके 100 से भाग दे देना था, तो मुझे इसको बताने में कोई समस्या नहीं है, ना तो आपको करने में समस्या होगी। 4 इस प्रश्न का उत्तर होगा, बिल्कुल समय नहीं जाया करना है। 4 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ब्रैकेट में है, ब्रैकेट आपको सिंप्लीफिकेशन जो हमसे पढ़े हैं खंड शिक्षा अधिकारी में, इस बात को जानते हो कि कैसी चीज़ें बताई गई हैं। आप ब्रैकेट के नंबर्स को, ब्रैकेट्स को पहले ब्रेक करिए, 100 से भाग दे दीजिए, उत्तर 4 आया, ए ऑप्शन करेक्ट उत्तर है, समय ना जाया करिए, 5 के बाद 6 नंबर पर आइए। 6 प्रश्न देखिए, बड़ा सिस्टमेटिक प्रश्न है, आपके आवर्ती भिन्न का प्रश्न है। आवर्ती भिन्न हम लोगों ने पढ़ा है, आवर्ती भिन्न में हम सबको अच्छी तरह से पता है कि एक जो हमारे पास कम्बिनेशन होता है, जैसे कि हमारे पास जैसे 1 पॉइंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि 1.2 के ऊपर बार लगा है, अगर मैं इसको समझूं तो 1.2 के बार का अगर एक्सप्लेनेशन किया जाए तो इसका मतलब होता है 1.22222222 इनफिनाइट टाइम्स तक। इसी तरह से अगर मेरे पास यह अगर लिखा हुआ है तो 0.03 के ऊपर अगर बार लिखा है 0.03 और ये अनंत तक चलता चला गया है, आपको इसका इससे गुणा करना है। जैसे गुणा करेंगे तो गुणा करने के लिए हमारे दिमाग में कई बातें आती हैं, कुछ लोग सोचते हैं सबसे पहले इसका भिन्न कन्वर्जन करिए, और करना आप जानते हो जो लोग बैचेस में पढ़ चुके हैं। कैसे किया जाता है, सबसे पहले जो पूर्णांक भाग है एज इट इज लिख कर चलिए, जो भिन्न भाग है जिसके ऊपर बार लगा है पहले उस संख्या को लिखिए, जितने संख्या के ऊपर जितने डिजिट के ऊपर बार लगा उतनी बार 9 लिखिए, तो इसका सही सही मान 11/9 हो गया। इसी तरह से जब मैंने इसका कन्वर्जन करा तो यह 0.03 के ऊपर बार था, आप 3 लिखिए, 3 के बाद जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा उतनी बार 9 लिखिए तो 99 हो गया। तो कहने का मतलब चाहे तो इसको 1/33 कह सकते हैं या 3/99 ही रखिए, आपके सामने हो गया। अब दोनों का गुणा करिए, देखिए एक नॉर्मल प्रक्रिया नहीं रह गई, आप गुणा करेंगे फिर भाग देंगे तो आपको उत्तर प्राप्त होगा। ऐसी दशाओं में जब भी कभी ऐसे प्रश्न आप देखें तो आप प्रश्नों को हल करने के दौरान थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपकी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। मैं आपको बताता हूँ क्या करिए, सिंपल सा दोनों का गुणा कर दीजिए, दोनों का गुणा कर दीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, दोनों का गुणा करेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से 36 प्राप्त होगा। 0. अब ऐसे देखा जाए तो 0 दो अंकों पर, 0.2 अंकों पर, 1 अंकों पर है, तो 0.036 दिमाग में आना चाहिए। रही बात बार लगाने की, तो आए आपको बता दूं कभी भी इस प्रक्रिया में 36 लिख देने से, 0.036 लिख देने से आंसर सही नहीं होगा। आपको यहाँ पर मानकर चलना पड़ेगा एक डिजिट, क्योंकि यह इनफिनाइट तक मूव करता है, एक डिजिट क्योंकि एंड में 3636 आ रहा है,
तो हम कहीं ना कहीं जाके इसको राउंड फिगर करते हैं, तो जैसे ही दशमलव के बाद संख्या 5 या 5 से बड़ी होती है तुरंत अपने में एक इंक्रीज कर लेती है, तो 0.037 का बार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ना कि 0.036 के ऊपर बार होगा। तो मैंने जैसे बताया कि अंत में अगर 6 आ रहा है तो हमें जाहिर सी बात हमारी जिम्मेदारी बनेगी एक समय के बाद आप जो है राउंड फिगर करेंगे। तो राउंड फिगर करने के लिए आपको पता है कि अगर दशमलव के बाद 5 हो या 5 से अधिक संख्या है, 5 से अधिक संख्या का मान है, तो उस स्थिति में आप अपनी पिछली संख्या में एक ऐड कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, 6 में एक जुड़ेगा 7 हो जाएगा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने 0.03637 के ऊपर बार नजर आएगा, या इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, आप लगा के चलिएगा सही आंसर माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर आएंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए बड़ा अच्छा सा प्रश्न है मेरे सामने, कहा गया एक सही 1/2 जो कि डेढ़ बोला जाता है, जनरली हम इसको डेढ़ बोलते हैं, डेढ़ में कितने आधे हैं, आधे मतलब हाफ है। तो आपको पता है कि डेढ़ मतलब 1/2 दोनों मिलकर एक होता है, फिर आधा मिलकर के डेढ़ होता है, इसका मतलब तीन बार हाफ है। आप समझ गए होंगे यह ओरल प्रश्न है, लेकिन कभी अगर दिमाग में आया कितने आधे हैं, जैसे हमको पता है कि एक सही 1/2 का मतलब होता है 3/2, मेरी बात को समझिए, कितने आधे हैं, संख्या को ज्ञात करने के लिए आधा से इसको भाग दे दीजिए, आधा मतलब 1/2 से भाग दे दीजिए, तो आप इसको 3/2 × 2/1 लिख सकते हैं, 2 2 से कटा, देखिए संख्या 3 आई। ओरल भी कहा जा सकता था, थोड़ा सा न्यूमेरिकली अगर हल करेंगे तो भी हम कह सकते हैं। तो कहने का अर्थ हुआ डेढ़ में 3 बार आधा आधा होता है, मतलब जैसे कहते हैं 1.5 रुपए में 3 अठन्नी होती है, 3 50 50 पैसे के सिक्के होते, वही सिस्टम है यहाँ पर, डेढ़ है तो डेढ़ में 3 बार आधा है, बस यही सामान्य सी प्रक्रिया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर 3 होगा, जो कि सी ऑप्शन में आपको दिख रहा है आसान से एक पैटर्न पर, तो आप समझ पाए होंगे मेरी बात को कैसे यहां पर दिया गया है। आगे चलेंगे, 8वें नंबर पर आएंगे, 8वां नंबर भी उसी तरह के एक सिस्टम पर आधारित प्रश्न है। 37 सही 1/2 37.5 बोला जाता है, 75/2 भी कहा जा सकता है, 75/2 में कितनी बार 1/8 आएगा, तो कितनी बार लाने के लिए आपको 1/8 से इसको भाग देना होगा। भाग देंगे तो जाहिर सी बात आपको अभी भी मैंने भाग के पैटर्न को भी बताया है कि अभी इससे पहले वाले प्रश्न में भी वह प्रक्रिया आपने देखी है। आप सिंपल सी बात है कि 75/2 को 8/1 से गुणा कर दीजिए, 2 × 4 = 8 होता है, 75 को 4 से जब गुणा करेंगे तो 300 आएगा, मतलब 75/2 या 37 सही 1/2 में 1/8 की संख्या अगर हम काउंट करेंगे तो 300 बार 1/8 आएगा, जो कि सी ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, 300 बार 1/8 आएगा सही उत्तर है। आपके सामने 300 बार आप लगा सकते हैं, दिस इज द करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, आप नोट करिए, आगे बढ़िए और आप समझ पा रहे होंगे जो बातें आपको बताई जा रही है। 8 के बाद 9वां नंबर हमारे सामने होगा, देखिए ये भी दशमलव पर आधारित एक प्रश्न है, प्रश्नों का स्टैंडर्ड, प्रश्नों का लेवल लो टू हाई होगा, चीजें आपको धीरे धीरे से अच्छे लेवल पर जाएंगी, अगली श्रृंखला जब आप देखेंगे तो उसमें और भी स्तरीय प्रश्न आपको नजर आएंगे और अच्छे लेवल के प्रश्नों को आप करते हुए अपनी कमांड को क्लियर करेंगे। 0.5 आप गुणा करेंगे तो जाहिर सी बात 125 होगा, दशमलव के अंकों को नोटिस किया जाए तो 3 अंक पर दशमलव लगाया जाएगा, तो 0.125 दिस इज द करेक्ट आंसर, जो कि पहले ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, पहला ऑप्शन 0.125 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऐसी दशाओं में हमेशा सामान्य रूप से आप गुणा करिए, दशमलव के अंकों को सब में जोड़ दीजिए, जोड़ करके यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर 0.125 नौवें प्रश्न का पहला ऑप्शन करेक्ट उत्तर माना जाएगा, ठीक है। 9 के बाद आइए 10 नंबर पर, 10 नंबर आपके सामने होगा, देखिए ये भी एक P/Q के रूप में, मतलब आवर्ती भिन्न को उसके वास्तविक स्वरूप में लिखने का एक पैटर्न है, लिखने का एक प्रश्न है, थोड़ा समझदारी दिखाइए, आपको प्रश्न यहाँ पर हल होता दिखेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 18 दशमलव लिखा गया है 4848 इनफिनाइट टाइम तक, तो आप उसको लिख सकते हैं 18.48 के ऊपर बार लिख सकते हैं, और जब भी कभी आपको ऐसा कोई कन्वर्जन करना हो जिसको हम आवर्ती से उसके वास्तविक भिन्न स्वरूप में लाते हैं, पूर्णांक को एज इट इज लिखा जाता है। आप कोई भी मेरा पब्लिक वीडियो भी अगर देखेंगे तो उसमें ये चीजें बताई गई है और मैंने जोड़ घटाव सब बताया है, पब्लिकली भी बताया इस बारे में, आप देखिए कभी तो किसी बैच के लिए जरूर मैंने इस चीज को यहाँ पर समझाया होगा, अगर आप सर्च करके देख सकते हैं देख लीजिएगा। 48 मतलब 48 के ऊपर बार है, ऐसी दशा में जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा होता है उसको लिखा जाता है, और उतनी बार 9 लिखा जाता है जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगाया गया होता है, तो आपके पास 18 सही 48/99 हो गया। अब आप थोड़ा ऑप्शंस में भी देखिएगा तो कहीं 99 नजर नहीं आ रहा, लेकिन 33 नजर आ रहा है दो जगहों पर, 609 और 610 में, एक कन्फ्यूजन का विषय है कि तो 609 है दूसरा 610 है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मुझे समझना हो, जैसे इसको मैं 16 कर सकता हूँ, इसको मैं 33 कर सकता हूँ, 16 कर सकता हूँ, इसको 33 कर सकता हूँ, 18 को मैं 33 से गुणा कर दूं तो 18 × 3 = 54 होता है, और 18 × 3 = 54, 54 × 5 = 59 होता है, आप समझ रहे होंगे। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
मैंने क्या किया है, अब इसमें जैसे मैं 16 को जोड़ूंगा, जैसे मैं 16 को जोड़ूंगा, नीचे मैं 33 रखूंगा, तो यह 610 होगा, 610 बटा 33 होगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में नजर आ रहा है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, 610 बटा 33 करेक्ट उत्तर। आप लिख करके चल सकते हैं, मेरी बात को आप समझ पाए होंगे। इसको एज इट इज लिखा जाता है, इसको लिख करके उतनी बार 9 लगाया जाता है, बाकी थोड़ा सा मिश्र भिन्न से उसके वास्तविक भिन्न स्वरूप मतलब यहाँ पर इम्प्रॉपर फॉर्म में जाएंगे तो आपको बी ऑप्शन नजर आएगा 610 बटा 33। तो 10 प्रश्नों की इस श्रृंखला को मैंने हल कराया आपको, 10 प्रश्नों की यह महत्वपूर्ण श्रृंखला आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगी, ऐसे और है। आप ऐसे ऐसे प्रश्नों को फोकस करेंगे, इससे अपने कमांड को क्लियर करेंगे। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि डायरेक्टली यही आ जाए, लेकिन मैं कहूंगा इससे आप अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग कर सकते हैं, धीरे धीरे चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी कड़ी में मैं आगे भी श्रृंखलाएं लेकर आ रहा हूँ आपके सामने, एक एक करके हम लोग ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे श्रृंखलाओं को हल करेंगे जिससे आप अपने कॉन्सेप्ट को बहुत ही मजबूत कर पाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन सब चीज़ों में अपना सहयोग देंगे और समझदारी दिखाएंगे, चीज़ों को समझेंगे, मैथ का सेगमेंट आपको बहुत ही स्ट्रांग नजर आएगा, यह मेरा दावा है। हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। संस्थान आपके लिए, आपकी सफलता के लिए पूरी तरह से तटस्थ है। हम सभी आलोक सर के निर्देशन में, नसरवी सर के नेतृत्व में, सभी जितने भी विषय विशेषज्ञ हैं, सब लोग अपनी 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 सारी उन 100% अपनी एफिशिएंसी को आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अगली श्रृंखला में आपके साथ मिलते हैं। आज की इस क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।